दोस्तों, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक यानी कि हमारे वेल विशर्स मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं। और कभी कभी तो हम पहचान भी लेते हैं, लेकिन हम में इतना अहंकार भरा हुआ होता है कि हम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो सचमुच में हीरा हैं। ऐसे हमें हमारी जिंदगी में लोगों को पहचानना चाहिए जो कि हमारे लिए सचमुच में एक हीरे की तरह काम करते हैं। वो आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। अगर आप कहीं पर गलत हो भी रहे हैं तो वो आपको सही करेंगे, लेकिन हमारी अज्ञानता ही कहिए या फिर हमारा अहंकार ही कहिए कि हम उन लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। इसी के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसमें कि आपको पहचानना है कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो सचमुच में हीरे हैं और आपके हमेशा काम आते हैं। उन्हें पहचानिए और उन्हें अपनी जिंदगी में जोड़िए, क्योंकि उनसे अच्छा वेल विशर आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकता है। एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नजर गधे से उसके गले में जो बंधा हुआ हीरा था उसके ऊपर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा, सवा सेर गुड़ दे दो। बनिए ने कुम्हार को सवा सेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर ही समझा था, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी से उसको बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की नजर बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा, 5 रुपए। जौहरी थोड़ा कंजूस और लालची भी था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपए सुनकर वह समझ गया कि बनिया इसकी कीमत जानता ही नहीं है। वो जानता ही नहीं है कि ये एक हीरा है। वो तो उसे सिर्फ एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वह उससे भावताव करने लगा, 5 नहीं 4 रुपए ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपए का सवा सेर गुड़ खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूंगा, यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपए देकर खरीद लूंगा। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपए सुनते ही उसने जट जेब से निकालकर उसे 5 रुपए थमाए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया। 5 रुपए थमाते हुए बोला, लाओ भाई दो वह पत्थर। बनिया बोला, वह तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपए में ले गया। यह जब उसने सुना तो जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं था, 1 लाख रुपए का कीमत का हीरा था। बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो, मेरी दृष्टि में तो वह साधारण पत्थर का टुकड़ा था जिसकी कीमत मैंने 4 रुपए मूल्य के सवा सेर गुड़ देकर चुकाई थी, पर तुम जानते हुए भी 1 लाख की कीमत का वह पत्थर 5 रुपए में भी नहीं खरीद सके। दोस्तों, ये कहानी कितनी सीमा ले रहे ना हमारी जिंदगी से। हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो भी चीज़ देखते हैं, हम जानते भी हैं कभी कभी कि वो बहुत अमूल्य है, उसके जैसा दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता है, लेकिन हम हमारी अज्ञानता या फिर हमारे अहंकार के कारण या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार बताने के कारण ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी से खो देते हैं और फिर कभी वो लोग हमारी ज़िंदगी में नहीं आते हैं। अगर आपके भी आसपास ऐसे कोई भी लोग हैं जो कि हीरे के जैसे हैं, उन्हें पकड़ कर रखिए, उन्हें जाने मत दीजिए किसी भी अज्ञानता, किसी भी लालच या फिर किसी भी होशियारी के चलते। ऐसे लोगों को खोइए मत, क्योंकि ऐसे लोग वापस दोबारा नहीं मिलते हैं। एक बार चले गए तो चले गए। इसलिए याद रखिए, को जो भी हीरा है उसे पकड़ के रखिए, अपनी ज़िंदगी में संभाल के रखिए। आपके आसपास ऐसे कोई भी लोग हैं जिनको आप पहचान चुके हैं कि वो हीरा है, तो उन्हें संभाल कर ज़रूर रखिए, जाने मत दीजिएगा किसी भी अहंकार के चलते, लोभ के चलते या फिर किसी के भी चलते। तो तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।